भरोसा दिलाया कि वो दोनों देशों के बीच ट्रेड डेफिसिट को कम करने के लिए भारतीय प्रोडक्ट्स को ज्यादा बाजार उपलब्ध कराएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमन और चीन के वित्त और वाणिज्य उप मंत्री वांग शावेन के बीच आज नई दिल्ली में मुलाकात भी हुई। खुदरा महंगाई दर सितंबर माह में 13 महीने के सबसे कम स्तर पर, अगस्त में 5.05% से गिरकर सितंबर में महंगाई 4.31% के स्तर पर, खाद्य महंगाई 3.88%, सब्जियों के दाम 7% से ज्यादा गिरे, दाल और चीनी पर कीमतों पर दबाव बरकरार। ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक और भारत के एक्जिम बैंक के बीच समझौते को कैबिनेट की मिली मंजूरी, ब्रिक्स देशों के बीच कारोबार को बढ़ाने और आर्थिक संबंध को मजबूत करने में मिलेगी मदद। अमेरिका में ब्याज दरों में बढ़ोतरी की आशंका के बीच भारतीय बाजारों में जबरदस्त गिरावट, सेंसेक्स दिन के दौरान 500 से ज्यादा अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ, निफ्टी भी 145 अंक नीचे 8573 के स्तर पर बंद हुआ, डॉलर के मुकाबले रुपया 40 पैसे कमजोर 67 के करीब। और ई टूरिस्ट वीजा के जरिए सितंबर माह में भारत में पर्यटकों की संख्या में 116% की बढ़ोतरी, जनवरी से सितंबर के बीच पर्यटकों की संख्या में 2.5 गुना की बढ़ोतरी देखी गई। यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका और चीन से सबसे ज्यादा आए पर्यटक।